Good morning, students. I am Mayank Tiwari. Today we will solve test number 9 in the General Agriculture series. चलिए start करते हैं. Question number 1. The book Fungi and Diseases in Plant is written by. ठीक है, ये question basic fundamental plant pathology से है. तो आपको बताना है कि जो book है Fungi and Diseases in Plant, ये किसने लिखी है? Option A, E.G. Butler. Option B, K.R. Kritikar. Option C, K.C. Mehta. Option D, Luthra and Sattar. स्टूडेंट, इसमें चारों साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको इनके कंट्रीब्यूशन पता होने चाहिए. स्टूडेंट, ऑप्शन ए था K.R. Kritikar. जो K.R. Kritikar हैं, इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड मैनी फंजाई एंड आइडेंटिफाइड देम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने फंजाई को कलेक्ट करके उनको आइडेंटिफाई किया था वो कौन थे, तो K.R. Kritikar थे. उसके बाद E.G. Butler है स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, फंजाई एंड डिसीजन इन प्लांट बुक, ये E.G. Butler ने लिखी है. इनको फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना. उसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि जो केसी मेहता है, करमचंद मेहता, इन्होंने साइकिल सीरियल रस की डिस्कवर की थी इंडिया में. उसके बाद लूथरा एंड सत्तार, मैंने आपको कई बार बताया है कि इन्होंने सोलर हीट ट्रीटमेंट डेवलप किया था लूज स्मट ऑफ वीट को कंट्रोल करने के लिए. स्टूडेंट अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एक्सेसिव ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गन, सॉरी एक्सेसिव ग्रोथ इन इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ सेल्स, जब साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन बी हाइपरप्लेशिया, ऑप्शन सी ऑटेशियस या ऑप्शन डी रस्ट. ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने बहुत आसान है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे क्योंकि ऑटेशियस और रस्ट तो हो नहीं सकता. आपको बताना है एक्सेसिव ग्रोथ जब हो जाती है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं या हाइपरप्लेशिया बोलते हैं. तो स्टूडेंट इन दोनों टर्म में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना. तो स्टूडेंट हाइपरप्लेशिया होता है एक्सेसिव डेवलपमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो हाइपरप्लेशिया होगा, जब आपका साइज बढ़ेगा सेल्स का तो फिर हाइपरट्रॉफी होगा. ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो रस्ट होता है ये यूरिनेल्स में आता है और जो स्मट होता है ये अस्टिजेनेल्स में आता है. ठीक है, इनका ऑर्डर पूछते हैं, रस्ट का यूरिनेल्स और स्मट का अस्टिजेनेल्स. ठीक है, उसके बाद एक पूछा था ऑटेशियस रस्ट, ऑटेशियस फंगस मतलब एक पैरासाइटिक फंगस जो कि सेम होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसको हम ऑटेशियस फंगस बोलते हैं, जैसे मिलामसोरा लिनाए हैं. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो मेटल. ठीक है, ऑप्शन ए मैनकोजेब, ऑप्शन बी मैनेब, ऑप्शन सी जिनेब, ऑप्शन डी थेरम. स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन का टाइप है ये, और आपने ये सारे फंजीसाइड सुने भी होंगे. मैनकोजेब तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, मैनकोजेब और थेरम तो आपने पढ़े ही होंगे. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फंजीसाइड है जिसमें कोई भी मेटल नहीं है. तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर था वो था थेरम. थेरम में कोई भी मेटल नहीं होता और थेरम को हम सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट, फोलियस ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कुछ और ध्यान रख लेना, जैसे फर्बम है, फर्बम में आयरन होता है, जिरम में जिंक होता है, नेबाम नाम से पता चल रहा है कि इसमें सोडियम होगा, जिनेब में जिंक होता है, मैनेब में मैग्नीज होता है, मैनकोजेब में दोनों होते हैं स्टूडेंट, जिंक और मैग्नीज ध्यान रख लेना, और वापम में सोडियम होता है. उसके बाद स्टूडेंट एक ही ध्यान रख लेना, ये जो कार्थेन है डाइनोकैप, इसको वैसे तो पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन ये माइटीसाइड भी है, इससे माइट्स भी कंट्रोल हो जाते हैं, तो प्लीज आप ध्यान रखना. और एक है आपका कैप्टन, कैप्टन तो आपने बहुत सुना होगा, ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है, सीड ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, सॉइल रेंचिंग के लिए भी यूज करते हैं, इसको 0.5% इसका रेट होता है, ये ध्यान रख लेना. उसके बाद स्टूडेंट एक होता है प्लांटावेक्स और एक होता है आपका वाइटावेक्स. जो प्लांटावेक्स होता है वो होता है ऑक्सीकार्बोक्सिन, और जो आपका ये होता है वाइटावेक्स, ये होता है कार्बोक्सिन. तो ये आप ध्यान रख लेना, जो वाइटावेक्स होता है उसको स्मट के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, और जो आपका प्लांटावेक्स होता है ऑक्सीकार्बोक्सिन, उसको डिट्रियोमाइसिटीज वाली डिसीज कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, जैसे अली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसीफर्स, लीफ ब्लाइट इन वीट, लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, स्ट्राइप रस्ट ऑफ बाले, और ये आपका लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्लास्ट ऑफ राइस, राइप फ्रूट रॉट ऑफ, और ये डाइबैक ऑफ चिलीज, विल्ट ऑफ पिजन पी, विल्ट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ लिंसीड, फ्यूजेरियम विल्ट और पनामा डिसीज ऑफ बनाना, विल्ट ऑफ शुगर केन, ये सारे डिट्रोमाइसिटीज से होते हैं. तो इनको कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीकार्बोक्सिन यूज करते हैं, ध्यान रखना. उसका ट्रेड नेम है प्लांटावेक्स. ये प्लांटावेक्स और वाइटावेक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये अच्छे से ध्यान रख लेना. वाइटावेक्स को बैक्सीडियोमाइसिटीज फंजाई को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्मट और रस्ट. ठीक है, तो ये प्लीज आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, ब्लू विट्रॉल इज. ठीक है, ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं? ऑप्शन ए
copper oxychloride, option B copper sulfate, option C sulfur dust, option D carbon dazim. अब स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको सही कर लेंगे. ब्लू विट्रोल क्योंकि क्लास 10 से ही हमने पढ़ा होता है. स्टूडेंट सबसे पहला ऑप्शन था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को ब्लाइटॉक्स बोलते हैं, आप यही नाम ध्यान रखना. उसके बाद दूसरा ऑप्शन था कॉपर सल्फेट, इसको ब्लू विट्रोइल भी बोलते हैं और ब्लू स्टोन भी बोलते हैं, जो कि इसका राइट आंसर है. उसके बाद सल्फर डस्ट, स्टूडेंट सल्फर डस्ट को ब्रिमस्टोन बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना. उसके बाद एक फंजीसाइड है, इसका भी चाहो तो नाम ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिरासिन. ये होता है इथाइल मिथाइल क्लोराइड. एक होता है एगलॉल मेथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, इसका भी नाम आपने सुना होगा एग्रोसेन. जब फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट और इथाइल मिथाइल क्लोराइड को मिला देते हैं तो ये बनता है. उसके बाद कार्बामेट ग्रुप में जो बेविस्टीन है उसका नाम होता है कार्बेंडाजिम, ये ध्यान रख लेना. मैनकोजेब बहुत फेमस है, डाइथेन M45 इंडोफिल दोनों इसी के नाम है, ये ध्यान रख लेना. उसके बाद डाइथेन Z78 जिनम, और ये प्लांटावेक्स वाइटावेक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है. उसके बाद टेरामाइसिन ध्यान रख लेना, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इसका नाम होता है, और एग्रीमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन. तो स्टूडेंट इतने आपको ध्यान होने चाहिए. उसके बाद स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था हॉट एयर ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ वायरस इन प्रोपोगेटिंग रूट स्टॉक इज डेवलप्ड बाय, जो हॉट एयर ट्रीटमेंट मेथड था वो कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था आपको बताना है. ठीक है, हॉट एयर ट्रीटमेंट वायरस के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, जो प्रोपोगेटिंग रूट स्टॉक होते हैं उनमें हम हॉट एयर ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो ये सबसे पहले किसने बताया था? ऑप्शन ए जेनसन, ऑप्शन बी लूथरा, ऑप्शन सी कुनकल, ऑप्शन डी नन. तो स्टूडेंट इसमें तीन ऑप्शन शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके कंट्रीब्यूशन आपको पता होने चाहिए. तो स्टूडेंट सबसे पहला ऑप्शन था जेनसन, तो जेनसन ने लूज स्मट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया था. मैंने आपसे पूछा था हॉट एयर ट्रीटमेंट, जो हॉट एयर ट्रीटमेंट था वो कुनकल ने दिया था पीच येलोज को कंट्रोल करने के लिए, मतलब पीच येलोज में इसने दिया था ये वाला मेथड, हॉट एयर ट्रीटमेंट कुनकल ने दिया था. उसके बाद सोलर हीट ट्रीटमेंट, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये लूथरा इन सत्तार ने दिया था. 4 to 5 hours तक आपको पानी वाटर में उसको सोक करना होता है, उसके बाद ड्राई करते हैं स्कॉर्चिंग सन में. तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिच मैन डिसीज इज ब्लास्ट, ऑप्शन बी बैक्टीरियल लीफ, ऑप्शन सी उफ्रा, ऑप्शन डी टुंडू. अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी 100% स्टूडेंट ने सही करना चाहिए. रिच मैन डिसीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आपने सुना ही होगा ये. तो ये रहा राइट आंसर, जो रिच मैन डिसीज होता है ब्लास्ट ऑफ राइस को बोलते हैं, पाइरिकुलेरिया ओराइजे इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद पुअर मैन डिसीज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को बोलते हैं, ज़ैंथोमोनास ओराइज़े इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है. स्टूडेंट राइस और वीट की सारी डिसीजेज और उनके पैथोजन आपको पता होने चाहिए. तुंगरू जो है ये है राइस तंगड़ो वायरस, नेफेटोटिक्स वेरिसेंस इस ग्रीन लीफ ऑपर इसका वेक्टर होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है. उसके बाद ब्राउन स्पॉट, ये जो बंगाल फेमाइन वाली डिसीज है 1943 में इसकी वजह से बंगाल फेमाइन आया था. कोचलियोबोलस मियाबेंस या हेलमोंथोस्पोरियम ओराइज़े. उसके बाद फॉल्स मट ऑफ राइस, ये पन्नागढ़ वाले स्टूडेंट ने देखा भी होगा अपने प्लांट क्लिनिक में. क्लेविसेप्स ओराइजे. उसके बाद खैरा डिसीज, ये अगर नहीं पता तो फिर गड़बड़ है. उसके बाद शीट ब्लाइट है राइजोक्टोनिया सोलनी. उसके बाद बकेन डिसीज, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिबरेला फ्यूजिकोराई की वजह से होती है. उटभड्डा डिसीज राइस की डिसीज है, बस इतना पता होना चाहिए. उफ्रा डिसीज ड्रिलेंके सेंगुस्टेटस की वजह से होती है, निमेटोडल डिसीज है. येल्लो डॉफ वीट में, ये येल्लो डॉफ आपका राइस में माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होती है. पनसुक ड्राई फिजियोलॉजिकल डिसीज है राइस की. और ग्रासी स्टंट वायरल डिसीज है. स्टूडेंट नीला पर्वता लीजेंस मैंने आपको बताया था, इसका वेक्टर होता है. वीट में आप ध्यान रख लेना, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट कई बार मैंने बताया है. उसके बाद स्टूडेंट एक और चीज है, कैंसर ऑफ वीट कनाल बंड को बोलते हैं, लूज स्मट अस्टिलेगो टिटिसाई, ईयर कॉकल ऑफ वीट, ये ध्यान रख लेना, निमेटोडल डिसीज है. एंजुना टिटिसाई बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में. एक ऑप्शन मैंने बनाया था टुंडू डिसीज, टुंडू डिसीज को येलो ईयर रॉट भी बोलते हैं, सेहुन डिसीज भी बोलते हैं. कोरोनरी बैक्टीरियम टिटिसाई जो कि बैक्टीरिया है, प्लस एंजुना टिटिसाई निमेटोड दोनों मिलके ये डिसीज करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट ये मोलिया डिसीज बाले में भी होती है, वीट में भी होती है, हेट्रोडेरा अवीनिए ये है, और फ्लैक स्मट ऑफ वीट यूरोसिस्टिस टिटिसाई होता है, हिल बंटिन वीट टिलेशिया फोर्टिडा होता है, आप ध्यान रख लेना. उसके बाद स्टूडेंट ये सुपर इंपॉर्टेंट डिसीज है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, इसको ग्रीन ईयर डिसीज भी बोलते हैं, ईआरडी डिसीज भी बोलते हैं, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला की वजह से होता है. एल्गॉट ऑफ बाजरा ध्यान रखना, क्लेविशेप्स फ्यूजिफॉर्मिस की वजह से होता है, और स्मट ऑफ बाजरा भी ध्यान रखना, टॉलीपोस्पोरियम पेनिसिलराई की वजह से होता है, प्लीज स्टूडेंट ये ध्यान रख लेना. उसके बाद स्टूडेंट बनाना में भी दो डिसीजेज इंपॉर्टेंट है, जैसे पनामा विल्ट है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी क्यूबिन्स की वजह से, क्यूबिन्स, और दूसरा आपका बंची टॉप, ये इसका वेक्टर इंपॉर्टेंट है. बनाना ब्लैक एफिड, पेंटालोनिया निग्नोरवोसा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत बार पूछा गया है. उसके बाद स्टूडेंट सिगाटोगा डिसीज, ये BHU 2019 में आया था, सिगाटोगा डिसीज ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय माइकोस फेरेला म्यूसिकोला, ये ध्यान रख लेना.
उसके बाद स्टूडेंट शुगर केन भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, शुगर केन में रेड रॉट पता होना चाहिए आपको, कोलोट्राइकम फाल्केटम, ग्रासी स्टंट डिसीज, ग्रासी शूट डिसीज और अल्बाइनो डिसीज इन शुगर केन इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, रटून स्टंटिंग डिसीज, रटून स्टंटिंग वायरस की वजह से, ये आप ध्यान रख लेना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिस वॉज गिवन बाय, अब पहले तो ड्रिस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन सिस्टम, तो स्टूडेंट ये ध्यान रख लेना, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है ड्रिस की, ठीक है, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसको ब्यूफिल्स ने दिया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट ऑप्शन ए जो था वो था पार्कर, पार्कर ने न्यूट्रिएंट इंडेक्स वैल्यू दी है। उसके बाद रमामूर्ति ने एसटीसीआर दिया है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, ये कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसटीसीआर सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स किसने दिया था, रमामूर्ति एट ऑल ने दिया था, ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, इनडिटर्मिनेट नोड्यूल आर फाउंड इन, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनडिटर्मिनेट नोड्यूल किसमें होते हैं, ऑप्शन ए मूंगबीन, ऑप्शन बी चिकपी, ऑप्शन सी क्लोवर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन ई बोथ बी एंड सी। स्टूडेंट ये ध्यान रख लेना, डिटर्मिनेट नोड्यूल आपका मूंगबीन में होते हैं और इनडिटर्मिनेट नोड्यूल चिकपी और क्लोवर में होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सेफ लिमिट ऑफ SAR इन इरिगेशन, व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ SAR इन इरिगेशन वाटर, मतलब SAR की जो वैल्यू होती है अगर सेफ लिमिट है तो कितने से कम आपका SAR होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लेस देन 18, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 10, ऑप्शन सी लेस देन 25, ऑप्शन डी 30। स्टूडेंट ये मैंने सारी सेफ लिमिट का एक वीडियो बनाया था, EC, SAR, ESR, ये सारी उसमें कंपाइल्ड हैं, अगर नहीं देखा है या फिर रिवाइज करना है तो रेड आइकन पे क्लिक करना जिस पे ए बना हुआ है, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, रिवाइज कर लेना उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बार पूछा गया इसे। तो स्टूडेंट ये टेबल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है, बस आप मॉडरेटली सूटेबल ध्यान रखना, जैसे ईसी है, ईसी में मॉडरेटली सूटेबल देखो 25-75 है इरिगेशन वाटर के लिए, तो लेस देन 25 आपका सूटेबल होगा और मोर देन 75 आपका नॉट सूटेबल होगा। लाइकवाइज SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 10-18 मॉडरेटली सूटेबल है, अगर लेस देन 10 है तो सूटेबल होगा, अगर ग्रेटर देन 18 है तो नॉन सूटेबल होगा। उसके बाद ये रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, ने ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1.25 से 2.5 इसकी वैल्यू होती है, अगर 1.25 से कम है तो मतलब सूटेबल है, सेफ लिमिट में है, और अगर 2.5 से ज्यादा है तो नॉन सूटेबल है। मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था SAR, तो SAR मॉडरेटली सूटेबल 10-18 है, मतलब सेफ के लिए लेस देन 10 होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट नाइट्रेट इरिगेशन वाटर में 5-30 होता है, मॉडरेटली सूटेबल, अगर लेस देन 5 है तो सेफ है। स्टूडेंट ध्यान रख लेना कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के लिए जो सेफ लिमिट होती है नाइट्रेट की ड्रिंकिंग वाटर में, वो 10 ppm से कम होनी चाहिए, ठीक है, अगर 10 ppm से ज्यादा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इन्फेंट्स में होता है, 6 months ओल्ड बेबीज में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ये बाकी पैरामीटर्स तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बोरॉन ध्यान रख लेना, बोरॉन 0.75-2 ये इंपॉर्टेंट है, अगर 0.75 से कम है तो फिर सूटेबल है। उसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन, CO2 कंसंट्रेशन ऑफ पडल सॉइल, आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितना होता है पडल सॉइल में, ये टफ क्वेश्चन है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरी सिंपैथी है आपके साथ। ऑप्शन ए 4.42%, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 0.6-0.9, ऑप्शन डी नन, आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितना होता है पडल सॉइल का। स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए राइट है, 4.42% कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है पडल सॉइल का, जो 1.5 है ये पीएफ वैल्यू है, ठीक है, जो लॉगरिथम ऑफ हाइट ऑफ वाटर कॉलम होता है पीएफ, वो 1.5 होता है, पीएफ ऑफ पडल सॉइल इज 1.5, 0.6-0.9 इज लेयर चार्ज ऑफ वर्मिकुलाइट, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, बस मैंने ऐसे बता दिया, जो वर्मिकुलाइट का लेयर चार्ज है ये 0.6-0.9 होता है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, प्लीज अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और अगर भेज सकते हैं मुझे तो भेजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ और फेलो जूनियर्स के साथ। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंप्लेंट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।